इतिहास छापा, प्रचार प्रसार मंत्री एवं प्रबंधक पंजाब हिंदी परिषद रजिस्टर्ड लुधियाना। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, पिछले 40 वर्ष से ज़्यादा पंजाब हिंदी परिषद पंजाब में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह मना रही है, लेकिन इस वर्ष कोविड की वजह से हम वो समारोह उतने इकट्ठ के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के जरिए मैं सबको एक हिंदी दिवस पे बधाई का संदेश भी दे रहा हूँ और उसके साथ अपनी भावना जो हिंदी के प्रति है वो भी बता रहा हूँ। भारत वैसे तो बहुभाषीय देश है जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिलन है और सारी भाषाएं एक से एक बढ़िया हैं, मोतियों की तरह हैं, लेकिन उन सबको पिरोने के लिए एक धागे की माला की आवश्यकता होती है और वो माला का काम करती है हिंदी भाषा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यही कहा है कि हिंदी भाषा ही राष्ट्र को पूरे एक सूत्र में पिरो सकती है और हम त्रिभाषी फार्मूला को भी प्रोत्साहित करते हैं कि जिस राज्य में रहते हैं हमारी मातृभाषा उसकी भी जानकारी हो और देश की भाषा हिंदी के बारे में पूरी जानकारी हो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के बारे में जानकारी हो। तीनों भाषाओं के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति जो है एक आगे बढ़ सकता है, चाहे वह व्यवसाय में है, चाहे किसी भी मतलब अपने नौकरी में है। तीन भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा भाषाएँ जानता है वो तो और भी ज़्यादा बात है। ये कहते हुए मैं राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस पर सबको एक बार फिर से बधाई देता हूँ और सबका धन्यवाद। हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, परंतु आज हिंदी दिवस जो कि देश की अखंडता से जुड़ी हुई है, हमारा राष्ट्र जिसको प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर ये गौरव का अनुभव भी कराते हैं कि हम इसको देश की राष्ट्रभाषा बनाएं, परंतु ये राष्ट्र ये संविधान में इसको अभी तक जो है वो राजभाषा का ही अधिकार दिया गया है। अब समय आ गया है कि इसको राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हो। प्रत्येक देश जो है, रूस चीन ले लो, उनकी अनेक भाषाएं हैं परंतु वो अस्मिता से जुड़े हुए हैं। उनकी भाषा चीन की चीनी भाषा है, रूस की रूसी भाषा है, परंतु हमें खेद है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जिसको हम राष्ट्रभाषा कर दे रहे हैं वो हमारे देश की अस्मिता से जुड़ी हुई है, हमारे हृदय की भाषा है, परंतु उसको भी स्थान नहीं दे सके। आओ आज हम सब संकल्प लें कि हम इसको देश की भाषा नहीं, ये तो विश्व की भाषा बनाने की बात कर रहे हैं। हम अपने हृदय पटल पर सब लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी के साथ साथ राष्ट्रभाषा को भी इसको भी अपना गौरव स्थान दें। विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा, यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें इस भाषा पर गर्व है। हिंदी के वर्चस्व को देखते हुए आज गूगल, अमेजॉन इत्यादि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसे अधिक से अधिक अपना रही हैं। ऐसे में हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम हिंदी को और बढ़ावा दें, उसको न केवल बोलने में हम लोग उसको प्रयोग करें बल्कि लिखने में। विशेष तौर पे जब हम मोबाइल इत्यादि पर संदेश भेजते हैं तो उसको लिखने में हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे हिंदी उतना ही आगे बढ़ेगी। मेरी तरफ से सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार कोविड-19 के होने के कारण हम हिंदी दिवस को घर पर ही मना रहे हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हिंदी एक ऐसी राष्ट्रभाषा है जिससे हम पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। इसके माध्यम से हिंदी वैसे भी एक बहुत मीठी भाषा है, सभी अगर हिंदी में बात करें तो बहुत अच्छी लगती है। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, इसका कि कोविड के कारण नहीं मनाए, क्योंकि हिंदी अपनी हिंदी बहुत खूब पर बोलने वाली भाषा है, मगर हमारे या हिंदुस्तान में अभी भी इसको राष्ट्रीय भाषा का नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को प्रश्न करना चाहिए कि हम इसके जो भी काम है हिंदी में करने की किसी भी जरूरत है। आजकल तो बाहर की कंपनी भी हैं जैसे गूगल है, वो भी अपने मैसेज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार।